नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सड़क हादसे में मां बेटी की दर्दनाक मौत। हरियाणा के करनाल जिले में नेशनल हाईवे पर देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। 2.5 साल की बच्ची और उसकी मां को एक वाहन ने कुचल दिया। मौके पर ही उन दोनों की मौत हो गई। वाहन की टक्कर के बाद चालक दूर गिरा, जबकि महिला व उसके बच्चे वाहन के टायर के नीचे कुचल गए। घायल बाइक चालक को राहगीरों ने अस्पताल में उपचार के लिए भेजा। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मृत मां बेटी का आज पोस्टमार्टम होगा। मिली जानकारी के अनुसार तरावड़ी शनि मंदिर कॉलोनी निवासी शख्स करनाल में अपने रिश्तेदारों के घर से वापस आ रहा था। उसके साथ पत्नी व बेटी भी बाइक पर थी। जब वे दीवान के पास पहुंचे तो एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक चालक कुछ दूरी पर गिरा और 2.5 साल के बच्चे को उसकी मां ट्रक के पीछे वाले टायर के नीचे आ गए। ट्रक के नीचे को चल जाने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिसकर्मी यशपाल ने बताया कि हादसे की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर जांच की गई और शव को कब्जे में लिया गया। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। जांच में जो सामने आएगा उसके आधार पर केस दर्ज किया जाएगा। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में पहुँचाया गया है और आगे की जाँच पुलिस कर रही है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।